वेलकम टू छू लो आसमान, हमारा सेगमेंट है ख्याल रखना। जी, और हमारे साथ हैं डॉक्टर नाजिया। नाजिया, ट्रिप आपका कैसा था? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक रहा, अल्लाह का शुक्र। ये अब नाजिया समझ आ गई है ना, नाजिया ने हर हफ्ते गायब हो जाना। नहीं नहीं, हर हफ्ते इतना नहीं, हर हफ्ते मुझे पता, हर टू वीक के बाद नाजिया से पूछेंगे नाजिया आप कहाँ हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, नाजिया मैं दुबई में थी, अच्छा मैं लंदन में थी, अब मैं यहाँ थी। चलिए ये अच्छी बात है, माशाल्लाह शादी से पहले जितना घूमना है घूमने, फिर बच्चे संभालने, फिर मुश्किल हो जाती है। नहीं अभी ये है कि दो महीने तो फिलहाल कहीं कुछ नहीं है, असल में सीरीज ऑफ कॉन्फ्रेंसेज होती हैं। अच्छा, कैसी है जो गई? अल्लाह का शुक्र है, इट वाज वेरी गुड वन। ये डर्मेटोलॉजी की जनरल कॉन्फ्रेंस थी, इसके अलावा इसमें कॉस्मेटोलॉजी भी थी, तो बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसका दुबई का सबसे बड़ा फायदा हमें ये मिल जाता है। मैं डर्मेटोलॉजिस्ट ही बन जाती, मैं कुछ तो बनती, लेजर ही कर लेती, देर नहीं हुई, लेजर ही कर लेती, कुछ बढ़ाने ही चली जाती, हर दो हफ्ते बाद ट्रिप्स तो मेरे लग जाते। एनीवेज नाजिया, आज हम बात करने वाले एक्सेसिव जो आपके मुंह पे बाल हो जाते हैं, ग्रोथ है उसकी, जो ग्रोथ हो रही होती है, जो इधर उधर आपको पता है, वो जो एक ऐसे बाल होते हैं जैसे शेव वाले बाल होते हैं, थिक मोटे उसकी वजह मुझे पहले बताएं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि ख्वातीन के अंदर ऐसे बालों का चेहरे पे होना, ये बाकी एक अलार्मिंग बात होती है। और उसके साथ न सिर्फ इसके अंदर, चूंकि बार बार वैक्सिंग थ्रेडिंग से छोटे छोटे काले न सिर्फ निशान बन जाते हैं, बल्कि वो जो इनग्रोन बन जाते हैं वो भी एक बहुत बड़ा। इसका एक वर्ड है हिरोस, हिर्सुटिज्म। तो ये इसमें यही होता है कि हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस के अंदर या उनके अपसेट होने की वजह से, एज अ पार्ट ऑफ द सिस्टमिक पूरा, क्योंकि बॉडी के अंदर जब पीसीओएस होते हैं, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हो जाती है, उसके अंदर उन हार्मोन जब आपके अपसेट होते हैं, तो उसकी वजह से आपके चेहरे के ऊपर काफी बाल आना शुरू हो जाते हैं। जब ये आते हैं तो अमूमन खवातीन बहुत अलार्म हो जाती हैं कि भाई मुझे पहले कभी नहीं था, ये अचानक हो रहा है। अचानक का मतलब ये है कि आप उसका इलाज शुरू कर दें। हमारे यहाँ गलती ये होती है, हम बहुत सारे टोटके पहले एज यूजल इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। फिर सेकंडली ये कि अगर कोई लेजर का कह दे तो हम सबसे पहले कहते हैं ओहो ये तो जी बड़ी गलत सी चीज है, इसको तो छोड़ दो, लेजर तो करना ही नहीं है। मेरी फला पड़ोसन के साथ जो लेजर हुआ था उसके साथ ऐसे हो गया, और गलत मिसकोटेशन शुरू हो जाती है, क्योंकि मिसकंसेप्शन है उसके साथ। राजे, एक चीज है कि अगर आप कह रही है कि देखिए किसी ने आप कहा लेजर करवा लो, आपने कहा कि यही आपने मिसाल दी कि मेरी नेबर का लेजर हुआ तो खराब हो गया, लेकिन कुछ हमारे यहाँ exactly, जो ज्यादातर खवातीन है वो शेखी में जाके लेजर करवाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा कि भाई इसने कराया तो मैंने भी करा की बात है। लेकिन बात यही है कि भाई देखिए, अगर आप खाना किसी अच्छे शेफ से बनावा खाती हैं या किसी ऐसे ही खाती हैं, इसी तरह जब मशीन ऑपरेशन है, ये भी एक स्किल है। अगर किसी अनट्रेन बंदे से आप कराएंगे तो यकीनन आपका मुंह भी जलेगा, आपको रिजल्ट भी नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉनिक तो एक चीज होती है, वो ये इससे पहले की चीज थी, अब वो खत्म होती चली गई है, इस वजह से, क्योंकि वो बहुत लंबा प्रोसीजर है। लेकिन अभी भी लोग बहुत बहुत कम लोग रह गए, बहुत कम लोग रह गए जो पुराने ट्रेंड है कर रहे हैं। नए में सिर्फ मुख्तलिफ तरह के लेजर आते हैं, और लेजर क्या है, क्विक है, फास्ट है, पेनलेस है, और आपको जल्दी कर देता है। लेकिन ये कतई इसके साथ मैं ये नहीं कह रही कि आप अपना इंटरनल ट्रीटमेंट नहीं करेंगी। जैसे मैंने बताया कि आपको हार्मोनल अपसेट है तो आपको टैबलेट्स लेना भी जरूरी है, और इसमें सबसे जरूरी है टाइम को अंडरस्टैंड करना कि ये टाइम लेता है। बेसब्र ये करना जो हमारे पेशेंट्स की होती है, अभी तो ठीक ही नहीं हो रहा, ये फला नहीं हो रहा, बिकॉज हार्मोन जब तक नॉर्मल नहीं होंगे ये प्रोडक्शन ऊपर से नहीं होगी। और इसके साथ लेजर इसका एक दूसरा सपोर्टिव थेरेपी होती है, वो दोनों साथ साथ चलती है, तो आपको जल्दी रिजल्ट मिलता है, और आपकी पिगमेंटेशन, मोटे बाल, ये काफी हद तक खत्म हो जाते हैं। इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां हो जाती हैं, बिल्कुल, और उसको हमने खत्म किया है इन लेजर से और दवाइयों से। अच्छा, लेजर से हो जाती है। पेशेंट्स होना जरूरी है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? आपको कैसे फील हो, क्या चीजें होती हैं जिसकी वजह से आपको ये हो रहा है? देखिए, खवातीन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीजें उनके साथ ये होती है कि उनका वेट बढ़ने लगता है, सर के बाल इस एरिया से, टेम्पोरल एरिया से कम होना शुरू हो जाते हैं, मुंह पे बाल आने लगते हैं, आपके साइकिल्स में एबनॉर्मेलिटीज आने लगती हैं, और रंग काफी लोगों का डार्क होना शुरू हो जाता है। ये डिपेंड करता है साइकिल की जो आप एबनॉर्मेलिटीज। हाँ, मैं ये आपको कहूंगी कि उन खवातीन के लिए बहुत जरूरी है, छोटी बच्चियां हों, बड़ी बच्चियां हों, अनमैरिड हों, प्लीज इसका बहुत ख्याल रखें। जब आपके साइकिल डिस्टर्ब हो रही हो, फौरी तौर पे अपने बच्चियों को या खवातीन सबसे पहले गायनेकोलॉजिस्ट। बिल्कुल, मैं हम लोग यही करते हैं। हाँ, क्योंकि हमारे साथ साथ जो है, हम गायनेकोलॉजिस्ट और डर्मेटोलॉजिस्ट साथ उसका इलाज साथ चल रहा होता है। उसके देखे साइमल्टेनियसली जाना उसके लिए ठीक होता है, क्योंकि आप अगर समझे कि आपको स्किन प्रॉब्लम हो रही है और आपको बाल निकल रहे हैं, आपको ये हो रहा है, तो उसकी कोई ना कोई वजह जरूर गायनी से रिलेटेड होती है, या तो आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हुए होते हैं या आपकी
साइकिल जो होती है वो डिस्टर्ब हुई होती है। जी ना जी, तो ये बात बिल्कुल हमने सही समराइज किया कि इसकी अवेयरनेस फैलाना जरूरी है। इसमें मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड होता है जो हम लिख के देते हैं। अच्छा। हाँ, वो पूरा करवाना होता है तभी तो हमें पता चलता है कि हार्मोन कौन सा खराब है, कौन सा क्या चीज कितनी है, उसमें कितना ट्रीटमेंट हमको और कितने ऐसे देना पड़ेगा। और फिर आप गायनाकोलॉजिस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट मिलके और बीच में लेजर टैबलेट ये सब करते हुए आपको करना पड़ता है। इसमें हम एपिलेशन के जो मेथड है थ्रेडिंग वैक्सिंग को जरा कम करते हैं और उस तरह लेजर इंट्रोड्यूस करते हैं तो उससे फर्क पड़ता है। बहुत तरह के लेजर आ गए हैं, अगर पतले बाल है तो IPL है, मोटे बाल है तो NDI है, डायोड लेजर है, बहुत तरह के लेजर हैं। लेकिन है हमेशा जिसके पास आप जाते हैं, आप अगर समझते हैं कि भाई वो डॉक्टर की अच्छी रेपुटेशन है, उसके पास अच्छे लेजर्स हैं, देन आप उसके पास जाएंगे तो आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। ठीक है। अच्छा नाजिया, मुझे एक और चीज बताएं, ज्यादातर खवातीन ये करती हैं कि उनको अगर लेजर नहीं कराना या उनको हॉट वैक्स नहीं कराना तो वो ब्लीच से उसको कवर कर लेती हैं कि ब्लीच कर ले। अब अगर इतना इतना मोटा बाल है तो वो भी तो ब्लीच में नजर ही आएंगे, भी आएंगे और वो हमेशा धूप में और तेज लाइट में नजर आते हैं। ये एक और कॉन्सेप्ट लोगों में है कि शायद ब्लीच करने से कंट्रोल हो जाती है ग्रोथ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, उल्टा आपकी स्किन बर्न होती है जब आप वो मिक्सिंग वो बनाते हैं उसका। कई लड़कियां उसी वजह से ही जल जाती हैं, उनके चेहरे काले होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि ब्लीच सिर्फ एक आध दिन की तो चमक देता है लेकिन उसके बाद आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन ला रहा होता है और बर्न कर रहा होता है इंटेंस स्किन को। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, इसलिए ब्लीच ना करें, उसको रिमूव कर लें, लेजर करा लें अगर आप पूरा फेस का लेजर, क्योंकि थोड़ा सा एक्सपेंसिव मोडलिटी है, अगर नहीं कर पाते एट टाइम्स तो आप ऐसा कर लें, पैचिंग पैच के हिसाब से करती चली जाए ताकि एटलीस्ट आपको रिजल्ट नजर आना शुरू हो जाए। और एब्रेसिव वेरी हॉट वैक्स जो लोग करते हैं उससे चेहरा जल जाता है। हाँ। तो इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं होती, खास तौर पे वो ब्यूटिशियंस जिनके पास लोग जाते हैं बहुत ही एग्रेसिव किस्म की थ्रेडिंग उल्टे तरफ से या सीधे तरफ से करने की वजह से उनके बाल बहुत जो है वो कट्स आ जाते हैं उनके ऊपर। और फिर क्या होता है कि जो इनग्रोन बनता है वो उसको निकालने जाती है, उधर जख्म हो जाता है। अगर किसी को पहले से कोई प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल एक डायबिटिक लेडी के साथ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है और आप उसके चेहरे पर जख्म बना रही हैं तो वो कैसे ठीक होगा? तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि आप एक्साइटमेंट का मुजाहरा ब्यूटिशियन के लेवल पे आप खुद भी कर रही हैं तो बहुत ज्यादा ना करें क्योंकि उससे स्किन खराब हो रही है, कट्स लग रहे हैं, चाहे ब्लीच करें चाहे थ्रेड कर लें चाहे वैक्स कर लें। और आप घर पे भी अगर ख्याल खुद भी स्मार्ट ना बने, जो खुद लाके वैक्स बना रही होती है और वैक्स लगा रही होती है, हॉट वैक्स कर रही होती है, प्लीज अपने आप पे मत एक्सपेरिमेंट। और सबसे बड़ा नुकसान मैं आपको बताऊं जो मेरे पास सबसे ज्यादा रिपोर्ट होता है, इसको माइक्रोवेव करते हैं और जो माइक्रोवेव वाला वैक्स बिल्कुल अंदर तक गर्म होता है और ऐसा कि वो बाकायदा गोश्त तक जला देता है, इतना इंटेंस डीप हीट होता है। ये चूल्हे वाले वैक्स में वो नहीं है। अच्छा, जितना ज्यादा डीप इंटेंस हीट आपको इलेक्ट्रिक बर्न, जो इलेक्ट्रिक चूल्हे होते हैं हमारे यहाँ तो खैर नहीं है। तो नाजिया, जो इनके अपने वैक्स के वो जो पॉट्स होते हैं उसके घर में तो नहीं होते ना, हमें आपके अगर आप एक्सपेरिमेंटेशन की जो बात घर हो रही होती है, लोग क्या करते हैं, जी पड़ी हुई पुरानी वैक्स या भाग के लिए भी वैक्स, इसको माइक्रोवेव में गर्म किया, अच्छा रख के भूल गई या आई उसमें फौरन उन्होंने डाली स्पैचुला, वो उड़ा और वो जब उड़ता है तो वो इतने बड़े बड़े पैचेस आते हैं, ब्रूजेस आपको पड़ जाते हैं, ब्रूजेस नहीं बाकायदा अंदर तक वो गल जाता है क्योंकि उसकी इंटेंस हीट इतनी अंदर होती है। माइक्रोवेव और ये जो इलेक्ट्रिक बर्न्स होते हैं, हाँ। इलेक्ट्रिक चूल्हों के जो स्टोव होते हैं उनके अंदर यही प्रॉब्लम होता है कि वो डीप इंटेंस। अच्छा नाजिया, अगर तो बहुत ज्यादा आपको ग्रोथ हो रही है, ठीक है, ज्यादातर मैंने देखा है कि चिन ग्रो ज्यादा हो रहा होता है आपका, चिन पे ग्रोथ ज्यादा होती है, बजाय अगर आप और जगह से कंपेयर करें तो यहाँ पे मैंने एक आध लोगों को देखा है कि यहाँ पे छोटे छोटे एक पैच बना होता है, हार्ड बिल्कुल लड़कों वाले जो बाल होते हैं ना वैसा वाला, यहाँ पे इधर एक ग्रो हो रहा होता है हल्का सा। यहाँ मेरे ख्याल से हार्ड बाल कभी मैंने नहीं देखा किसी का, लेकिन ये जगह जो है ना ये तौर पे या क्या वजह है? असल में देखिए, फीमेल जो डिपेंडेंट एरिया है, अगर आप देखें मेल जो हार्मोन, देखें फीमेल्स के अंदर मेल और फीमेल दोनों हार्मोन्स हैं, जब ये अपसेट होते हैं और मेल हार्मोन ज्यादा होने लगते हैं, जो आदमियों में भी आप देखें, आदमियों के भी यहाँ सारी जगहों पे कितने बाल होते हैं और सर से बाल कम होना शुरू हो जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाए, तो खवातीन में अगर टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है तो उसके अंदर भी वही इफेक्ट नजर आता है जो आदमियों के अंदर। अच्छा हाँ, ये भी एक अच्छा आपने बताया कि क्या ये लड़कों को भी प्रॉब्लम हो सकती है? बिल्कुल हो सकता है, उनके अंदर ये है कि उनके अंदर बालों का तो नहीं इतना पता चलता अंडरसेंटल कि वो शेव रख रहे हैं, हाँ। तो आपको पता चल रहा है वो कम हो रहे हैं या ज्यादा हो रहे हैं उनको, क्योंकि उनके तो वैसे भी बाल जनरली हम देखेंगे उनको हेरी होना है तो उनको नोटिस भी नहीं कर पाते कि जी मेरे बाल ज्यादा बढ़ गए हैं कम हो गए, अंडरसेंटल के कई लोग ऐसे हैं कि जो बालों को पसंद नहीं करते वो रिमूव करें तो वो और बात है। आदमी का बल आराम होते हैं जब उनके सर से बाल कम होना शुरू हो जाते हैं, तब वो परेशान होते हैं, ओहो क्या हो गया, ये क्या हो गया, तो फिर हम उसको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया कहते हैं। अच्छा। उसके अंदर से बाल गिरते हैं, हेयर फॉल होता है ड्यू टू हार्मोन्स अपसेट। ये सुन ले लोग कि ये एक लड़के ये प्लीज समझ ले मर्द हजरात कि ये एक बीमारी होती है, ये ना कि अपनी और लोगों को कोसरों बीवियों को कि तुम्हारी